एवरीबॉडी एंड यूर वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं नीरज भैया से मिला तो सब कैसा रहा, उनकी फैमिली से मिलना, एंड टू मीट एवरीबॉडी, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। सो प्लीज वॉच इट टिल एंड टू गेट हेलो एवरीबॉडी, और मैं हूँ कौटिल्य पंडित, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं नीरज चोपड़ा भैया से मिलने जा रहा हूँ। और उनका ये पास में गांव है खंदरा, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बुलाया है एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आज मैं सोनीपत आया था, एक बैडमिंटन की चैंपियनशिप थी, और तभी सुरेंद्र चोपड़ा अंकल जी का फ़ोन आया था जो कि नीरज भैया के चाचा हैं और मेरे पापा के वे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आज नीरज भैया घर पे हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम जल्दी से सोनीपत से भागे हुए आए हुए उस प्रोग्राम को मतलब एंड करके, और फिर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अभी हम रास्ते के अंदर हैं, एंड इट वुड टेक नियर अबाउट 20-30 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन। तो अभी हम गाड़ी के अंदर है और जो गांव है खंदरा जहां पर भैया रहते हैं वो नियर अबाउट 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स के भी दूरी पर है। और अभी हम गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एंड आई विल एक्चुअली इंट्रोड्यूस यू टू ऑल ऑफ देम। तो ये है वंशिका दीदी, और ये बहुत ही अच्छी पोएट हैं और ये बहुत ही अच्छी हैं। तो अभी हम जिस फंक्शन के अंदर गए थे तो हम सभी एक साथ गए थे, फिर उनका एकदम कॉल आ गया, तो अभी हम रन के अंदर है और वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये है मेरी दीदी दीक्षा, हु इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये मेरे को मारती है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट शी इज़ वेरी ग्रेट। और ये है हार्दिक, अगर आप हार्दिक को देखोगे तो हार्दिक एक छोटा सा ही बच्चा है, बट ही इज़ रियली अ जीनियस, और इसको बहुत ही चीज़ों के बारे में पता है, और इसके अलावा ही इज़ वेरी फ्रेंडली। और साथ में अब हमारे जीविका जो कि एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, लेकिन ये नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। और ये जितने भी आप देख सकते हो बच्चे, वेदर इट्स दीदी और वंशिका और जीविका और हार्दिक, दे ऑल आर वेरी ग्रेट एट स्टडीज़ एंड इवन इन देयर ओन फील्ड, जिसके एस्ट्रोनॉमी वगैरह हो गया। तो और जो अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो अभी जो हमारे आगे बैठी है ये मेरे पॉप्स हैं या फिर हैट वाले जेंटलमैन जिन्हें आप देख सकते हो, और ये है हमारे अंकल जी। अंकल जी हाय कर लीजिए। हाय। ओके, तो अभी हम गाड़ी के अंदर है और अभी हम जल्दी से पहुंचने वाले हैं। वैसे तो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता नहीं और मेरे को इतने पसंद भी नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ, अगर अभी मैं नीरज भैया से मिलने जा रहा हूँ और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं इस सभी चीज़ को कैप्चर करना चाहता हूँ कि एक मेमोरी बनी रहे, और जो हमारा नीरज भैया के पास जाने का जो विजिट है वो हमेशा के लिए यादों के अंदर आ रहे हैं। और अभी हम नियर अबाउट 3 मिनट्स या 4 मिनट्स दूर है अपने डेस्टिनेशन से, और अभी दिखने लग गए हैं नीरज भैया के पोस्टर, क्योंकि पूरे पानीपत के अंदर नीरज भैया के पोस्टर है क्योंकि सभी खुश हैं। और यहाँ पर गांव के हर आदमी ने नियर अबाउट, मतलब जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपने पोस्टर लगवाए हैं कि आपको उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी भी उनको शुभकामनाएं हैं, सभी पूरे इंडिया की हैं। और अभी हम नियर अबाउट पहुँच ही गए हैं, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। और एक और अगर मैं चीज़ बताऊँ तो हमको पता ही नहीं चला कि उनका एकदम कॉल आ गया और हम प्रोग्राम के अंदर थे, फिर हम सोनीपत से भागे भागे आ रहे हैं, तो हमें गिफ्ट लेने का कभी टाइम अभी टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए हम भैया के घर बिना गिफ्ट के जा रहे हैं। बुरा तो लग रहा है लेकिन इट्स मजबूरी है, क्योंकि नीरज भैया आजकल इतने बिजी हैं, पूरा देश उनका दीवाना है, तो उनके पास टाइम की तो अभी बहुत ही ज़्यादा कमी है। फिर हमने रास्ते में अपना लंच वगैरह भी करना भूल गए, इसलिए हमने केला लिया है, और अभी हम थोड़ी सी देर में पहुँचने वाले हैं। पास आ गए हैं और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे, और आई एम वेरी एक्साइटेड। और अगर मैं आपको भी घर दिखाऊं तो ये घर रहा। तो अभी हम चल रहे हैं और हम घर के पास आ गए, बिल्कुल गांव के बीच पे घर है, और मैं भैया के साथ अभी आ रहा हूँ। और अगर आप देखें तो आगे हम पहले चौपाल गए थे, चौपाल में मतलब बैठक थी, वहाँ सब कुछ अच्छा बना रखा था, और ये आ गया घर बिल्कुल गांव के बीच में। अगर मैं आपको घर की स्टोरी बताऊँ तो ये था कि भैया ने कहा था कि अगर हम बहुत आगे पहुँच जाते तब भी हमको गांव से अपना जुड़ाव रखना है, इसलिए हम घर जो अपना हमारा घर है वो गांव के बिल्कुल बीच में बनाएंगे, जहाँ पर उनका पुराना घर था। और ये आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनको यहाँ आके लगी कि यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गायें हैं, भैंसे हैं, और इनकी जो केयर है वो
वो खुद ही करते हैं, ऐसे कोई नौकर वगैरह नहीं है। मैंने अभी देखा था जब जाते वक्त देखा कि जो हमारी जो नीरज भैया की मम्मा थी वे खुद ऐसा कर रही थी। तो इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाने के बाद ये उनकी सिंपलिसिटी और जितने अच्छे हैं वे वो शो करता है, और उनसे बात करके भी शायद मेरे को ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जब मैंने पहले बात करी तो वो वैसे ही थे। एंड आई व्हाट आई हर्ड फ्रॉम पीपल दैट देयर लाइक दैट। तो ये है नीरज भैया का घर, और यहाँ भैया की हार्ले डेविडसन वगैरह भी खड़ी है, और बहुत मज़ा आ रहा है आने में। और अभी भैया के मेन अवार्ड जैसे अर्जुन अवार्ड, फोर्ब्स 30 अंडर 30, जॉब टॉप्स, तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये कुछ भैया की फोटोज़ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगी कि जैसे अभी मैं घर पे हूँ और सभी एक साथ है, पूरी फैमिली, एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट। ये है टोक्यो जो कि अभिनव बिंद्रा सर ने नीरज भैया को गिफ्ट करा था, एंड इट वाज रियली ग्रेट के। और ये हमारी जो पूरी फोटो थी सारे नीरज भैया के छोटे बहन वगैरह हैं, छोटे बहन भाई। और जाते वक्त मतलब ये आंटी जी मतलब मेरी ताई जी लगती हैं जो कि नीरज भैया की मम्मा। सो व्हाट्सअप, और अभी हम हैं नीरज भैया के घर पे, और ये अभी दीदी हैं, बड़ी दीदी, फिर ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से सारे बड़े हैं। और आई मेट हियर, और अभी मैंने दीदी से बहुत सारी बातें करी, और अभी हम बाद में जा रहे हैं भैया से मिलने। इट इज़ सो ग्रेट, हाय। और ये नीरज भैया के बाद जो सेकंड नंबर वाली दीदी उनके बाद उनसे छोटी, और ये सभी उनके चाचा जी के लड़के हैं। हाय, आपका नाम क्या है? जीते। ये सरिता दीदी है, ये जुआंग है। और सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई मेट नीरज भैया। नीरज भैया एकदम बाहर से आया, एंड ही सेड और कॉटन ले कैसे अंदर रूम से, एंड ही वाज लाइक ओ ग्रेट, सारी यादें बताई, हम पहले मिलते थे, और लाइक उन्होंने कहा कि जल्दी आना चाहिए था, एंड देयर वर लाइक सो मेनी ग्रेट इंस्टेंसेस। और उन्होंने पूरे मतलब पुरानी जो जितनी भी मेमोरीज थी उन सभी को हमने फिर से जिया, एंड इट वॉज रियली ग्रेट, और बहुत ही कम टाइम में, बट वी एंजॉयड अ लॉट।